प्यारे बच्चों नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो माई सेल्फ प्राण और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर फाइव व्हील पर। तो संडे डोज में आप सभी का एक बार दिल से तहे दिल से स्वागत है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि त्वरित क्या होता है, आसमानी बिजली क्या होती है, त्वरित चालक क्या होता है, क्या इससे बचा जा सकता है, क्या इसको स्टोर किया जा सकता है, क्या एक ही जगह पर कई बार बिजली गिर सकती है, बादल कैसे बनते हैं, बादल कैसे टकराते हैं। तो इसी सभी बातों का और सवालों का हम लोग जवाब जानेंगे। तो चलिए दोस्तों आज समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो बिजली जब बादल टकराते हैं और जब वर्षा होती है या बिजली चमकता है तो उस समय लाइट पहले आ जाता है, बिजली का चमकना हमें पहले दिखता है लेकिन साउंड बाद में सुनाई देता है। तो इसका एक फैक्ट है, ये देखिए कि लाइट का जो स्पीड है उस वो है 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, या यूं कहिए 3 करोड़ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो साउंड का स्पीड है वो है 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि साउंड का स्पीड कम है तो बाद में पहुंचेगा और लाइट का स्पीड ज़्यादा है तो वो पहले पहुंचेगा। इसी कारण कि जो सन का लाइट है, सूरज का रोशनी है, हमारे पृथ्वी पर आते आते 8 मिनट का समय लेता है, करीब करीब 8 मिनट, 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से दूरी है तो उतारने में इतना समय लगता है। और यही कारण है साउंड बाद में सुनाई देता है, लाइट पहले सुनाई दे देता है, ठीक है। अब देखिए कि जो बादल होते हैं कि वो कैसे बनते हैं, तो टकराते हैं वो तो बाद की बात है लेकिन पहले बादल कैसे बनते हैं। तो देखिए जो सूरज का प्रकाश जब समुद्र सतह पर पड़ता है ना, ठीक है, तो वो क्या होता है कि भाप बनने लगता है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि गैस में जब आप पानी गर्म करते हैं तो एक ऐसे टेम्परेचर आता है उसके बाद वो भाप बनने लगता है। तो उसी तरह जो सूर्य का प्रकाश लगातार पड़ता है समुद्र के सतह पर तो वो भाप बनने लगता है जलवाष्प के रूप में और ऊपर उठता है। तो आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता है। तो बादल तो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर ऊपर होते हैं तो वहाँ पर जाते जाते माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, -40 डिग्री सेल्सियस। तो वहाँ पर जाने के बाद पानी के जो बूंद हैं वो जमने लगते हैं, ठीक है, जमने लगते हैं, ठीक है। तो उनका घनत्व तो कम होता है तो इसलिए नहीं गिरते हैं, लेकिन जितने वो ज़्यादा ठंडे होते जाते हैं तो उनका द्रव्यमान बढ़ने लगता है और द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व तो भी बढ़ेगा। तो उस कारण से वो जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा तो वो बारिश टपकने लगेगा, बारिश होने लगेगी। तो यही फंडा है कि बादल कैसे बनता है, ठीक है। तो बादल जब बनता है तो टकराने लगते हैं, ठीक है, तो टकराते हैं तो उनके घर्षण से स्टैटिक करंट का उत्पन्न होता है, ठीक है। और स्टैटिक करंट उत्पन्न होता है तो इसका प्लस वाला सिरा जो बादल का है वो ऊपर चला जाता है और माइनस वाला सिरा जो होता है वो धरती पर आ जाता है और धरती पर आकर प्लस को खोजता है कि कहाँ प्लस चार्ज मिले कि हम धरती में एंटर कर जाएं, ठीक है। तो देखिए तो वहाँ पर आते जब बादल चमकता है या बिजली चमकती है और बादल टकराते हैं तो उस समय हवा भी बहते रहती है और हवा बहते रहती है तो क्या होगा, जो घास है ज़मीन पर वो भी एक दूसरे से टकराएंगे और घर्षण उत्पन्न होगा और उनमें भी आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो उनमें आवेश उत्पन्न होगा तो उनका प्लस वाला सिरा ऊपर चला जाएगा घास के सिरों पर और माइनस वाला चार्ज धरती में चला जाएगा, ठीक है। तो इस कारण क्या होता है, बिजली प्लस चुनकर और ज़मीन पर गिर जाती है और उतने दूर के ज़मीन को घास को जला देती है। अब देखिए समझते हैं कि बिजली जो गिरती है धरती पर उसका कितना पावर होता है, ठीक है। तो जो बिजली गिरती है बादल से वो 10 करोड़ वोल्ट की होती है, दस करोड़ वोल्ट का पावर होता है इस जो बिजली बादल से टकरा कर आती है, ठीक है। और एम्पियर में कहें तो 10,000 एम्पियर, ठीक है, 10,000 एम्पियर। हम लोग के घरों की बिजली का खपत होता है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट में हम लोग का घर का पूरा बिजली का काम संपन्न हो जाता है। और 5 एम्पियर की बिजली में हमारा एसी, कूलर, फ्रिज, पंखा सब चल जाता है, ठीक है। और देखिए ये कितना बिजली इससे जनरेट हो रहा है, 10 करोड़ वोल्ट। अगर किसी आदमी पर गिर जाएगा तो सीधा कौवा बन जाएगा वो आदमी,
खुखरी बन जाएगा, जरल खुखरी। तो यही है, इतना पावर का बिजली गिरता है धरती पर। और इसको टेम्परेचर में देखें तो जो बिजली बादल से आती है उसका टेम्परेचर होता है 27,000 डिग्री सेल्सियस। 27,000 डिग्री सेल्सियस तो 30,000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो सूरज होता है, सूरज के सरफेस का टेम्परेचर कितना होता है, 6,000 डिग्री सेल्सियस, उससे भी ये 5 गुना ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन इसका टाइमिंग कम होता है, ये 0.005 सेकंड के लिए आता है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचाता है, ठीक है। तो इतना टेम्परेचर होता है, सूरज से 5 गुना ज़्यादा इसका टेम्परेचर होता है, और टाइमिंग बहुत कम होता है, 0.00 मिली सेकंड में होता है, तो उतना नुकसान नहीं पहुंचता है, ठीक है। अब समझते हैं कि देखिए क्या होता है कि जो बिजली चमकती है तो आप लोग सोचें तो साउंड कैसे जनरेट होता है, साउंड कैसे हमको सुनाई देता है, ठीक है। तो साउंड देखिए क्या होता है कि जो बिजली गिर रही है उसका तो टेम्परेचर 27,000 डिग्री सेल्सियस है, 30,000 डिग्री सेल्सियस है, और इतना गर्म है, और जब ज़मीन पर आ रहा है तो पानी के बूंदों से टकराएगा। तो आप लोग सिंपल जानते हैं कि गर्म चीज़ को, जैसे गर्म रॉड को आप लोग पानी में डालेंगे तो करके जो आवाज़ निकलता है, ठीक है। या आप देखे होंगे कि तेल के कढ़ाई में आप लोग तेल गर्म कर रहे हैं, उसमें गलती से पानी या कुछ ठंडा चीज़ डालेंगे तो पूरा आवाज़ करेगा, छैक छैक करेगा, ठीक है। तो उसी तरह ये भी है, ये इतना टेम्परेचर इसका ज़्यादा है और पानी के बूंदों से टकराएगा तो आवाज़ तो जनरेट होना ही होना है, तो यही इसका फंडा है, समझे। अब देखिए इस त्वरित से बचने के लिए, जो आसमानी बिजली जो गिरती है उससे बचने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन जो वैज्ञानिक थे, बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक ऐसा यंत्र बनाया कि जो चार्ज को सोख ले, चार्ज को श्रिंक कर ले, तो इसी का नाम है त्वरित चालक। त्वरित चालक, इस पर क्या होता है कि जो बादल से जो बिजली आती है उनको ये अट्रैक्ट करके, क्योंकि आपको बताया कि वो सबसे छोटा परिपथ चुनने का कोशिश करती है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ये ऊंचाई पर लगाया जाता है और ऊंचाई पर ये बादल बिजली आएगी और इसमें घुस जाएगी, और ये क्या करेगा, सीधे धरती से ज्वाइंट होता है तो सभी आवेश को, करंट को धरती में भेज देगा, इससे भवन या किसी भी चीज़ पर क्षति नहीं पहुँचेगी। तो इसलिए ऊँचे ऊँचे भवनों पर लगाया जाता है, आप लोग देखे होंगे कि जो टावर होता है बिजली का उसके ऊपर ये लगाया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट जो हो वो करंट आए वो सीधे ज़मीन में चला जाए। अब देखिए ये एफिल टावर है, एफिल टावर के ऊपर भी यहाँ पर लगा दिए गए हैं, तो सीधे गिरेगा इस पर तो ले बीतेगा इसको, ठीक है। तो पेरिस का एगो नक्शा बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो उसी लिए है, तो यहाँ पर त्वरित चालक लगा दिया गया कि जो सीधे त्वरित गिरे वो सीधे ज़मीन में चला जाए, ठीक है। अब देखिए छतों पर भी लगाया जाता है, जो ये त्वरित है इस पर गिरेगा और वायर से सीधे जाकर ज़मीन में चला जाएगा इतना करंट, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि आप लोग सोचेंगे तो ये जो हवाई जहाज़ चलता है, उड़ता है, अगर हवाई जहाज़ उड़ रहा है आप बिजली चमक रही है, बिजली अगर हवाई जहाज़ पर गिरेगा तो क्या होगा, तो आप लोग तो सोचेंगे कि पूरा उसका पर्चा हिल जाएगा, उसका पार्ट पुर्जा सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा उसको, हवाई जहाज को कुछ नहीं होगा अगर उस पर बिजली गिरती है तो। क्यों, क्योंकि जो बिजली गिरेगी तो उसके पूरे सरफेस पर बट जाएगी, ठीक है। जो आवेश होगा वो पूरे सरफेस पर बट जाएगा, और जो बिजली होती है वो सरकमफेरेंशियल पाथ खोजती है, गोलाकार पाथ, ठीक है। तो गोलाकार पाथ ये गोल बनाया जाता है, ठीक है, तो पूरे सरफेस पर बट जाएगी तो करंट नीचे चला आएगा, इसको कोई हानि नहीं पहुँचेगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो इसलिए इस पर भीतर कोई भी हानि नहीं होगा, आदमी सेफ रहेगा, ठीक है, भीतर किसी यात्री को कुछ नहीं होगा। और देखिए इसको एक्सपेरिमेंट को प्रूफ किया था माइकल फैराडे ने, वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, अपने आप को पिंजरा में बंद कर लिया और ऊपर से करंट छोड़ा, ठीक है, तो उनको कुछ नहीं हुआ, वो भीतर थे, क्योंकि वो सरकमफेरेंशियल पाथ खोजती है बिजली, तो इस कारण क्या होगा, सीधे इधर घूम घूम कर नीचे चले जाएगा, भीतर कुछ नहीं होगा उनको, ठीक है, कुछ नहीं होगा उनको। अगर देख लीजिए यहाँ से आपको बिजली छोड़ दिया गया है, इसको कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो इतनी मात्रा में बिजली जनरेट हुई है तो ये जो बनाया गया पिंजरा ये बहुत ही हाई क्वालिटी का मेटल का बनाया जाता है, कॉपर का, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो भी बिजली जनरेट होगी सीधे डायरेक्ट अर्थ में फ्लो कर जाएगी, तो उस समय आपको छूएगा तो आपके लिए कुछ बिजली छोड़ेगा ही नहीं, तो आपको करंट का झटका ही नहीं लगेगा, तो इस कारण कुछ नहीं होता है।
ठीक है। तो अब देखिए, तो बिजली से बचने, बिजली किन किन सिचुएशन में गिरती है, हम लोग को क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, पेड़ के पास नहीं रहना चाहिए, पेड़ के पास बिजली ज़्यादा गिरती है। दुधारू पेड़ कहता है लोग कि जो जिसमें से काटने पर दूध फेंकने लगता है वो दुधारू पेड़। वो क्या उसका कोई फंडा है कि देखिए कि जो पेड़ होते हैं वो तो ऊंचाई पर होते हैं, तो त्वरित जो हो रहा है उससे जो बिजली आएगी वो तो सीधे सोचेगी कि हमको छोटा परिपथ मिले तो हम जल्दी से धरती में चले जाएँ, ठीक है। तो उस कारण ये ऊंचाई पर होते हैं तो इनको चुनेगी और इनसे सीधे ज़मीन में घुसने का कोशिश करेगी। अगर आप यहाँ पर हैं तो आपका सिर पर गिर जाएगी, आप ख़त्म हो जाइएगा, ठीक है। तो जब भी बिजली गिरे तो पेड़ के पास नहीं रहना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो ऊंचाई पर होते हैं और बिजली उनको अट्रैक्ट करके उन्हीं पर गिरती है, ठीक है। दूसरा देखिए, ज़मीन पर अगर खाली मैदान में है तो खाली मैदान में आप दौड़िए मत, बैठ जाइए, क्यों? क्योंकि आप खड़ा होंगे तो आप, आदमी भी तो एक कंडक्टर होता है, चार्ज को कंडक्ट करता है, तो उसको अट्रैक्शन मिलेगा, उसको पता चल जाएगा, डिटेक्ट कर लेगा कि इसके पास आवेशित, ये आवेशित है। तो बिजली आप दौड़िएगा या खड़े रहिएगा तो आपके ऊपर गिर जाएगा, तो बैठ जाया जाता है, ठीक है, दौड़ा नहीं जाता है। अब देखिए, छाता लेकर नहीं रखा जाता है। छाता लेकर रहिएगा ना तो क्या होगा, आपका छाता का जो हैंडल होता है वो तो लोहा का है, और जो डिटेक्ट करके बिजली छाता पर गिरेगा तो आप उसको पकड़े हैं तो आपको भी करंट मारेगा, आप ख़त्म हो जाइएगा। तो इसलिए जब भी बिजली गरज रही है तो आप बारिश में घूमें नहीं, छाता नहीं लें, ठीक है, और बैठ जाएँ उस जगह पर, ठीक है। अब देखिए, घर जब बिजली गिरती है तो आपको घरों में रहना चाहिए, पक्के मकान में, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है कि जो बिजली गिरती है वो सीधे ज़मीन में चली जाती है तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, आप लोग बिजली गिरता है तो आप लोग उसका मजा लेने के लिए खिड़की से झांक कर देखते हैं, और खिड़की जो लोहा का उसको झांक छू छू कर देखते हैं, तो क्या होता है कि जब बिजली गिरेगी तो लोहा पर गिर जाएगी तो आप उसको पकड़ कर देखिएगा तो मजा ऐसा मिलेगा कि जिंदगी भर का मजा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जब भी बिजली गिरे तो शीशा की दीवार या लोहे के ग्रिल वाला जो खिड़की होता है उसको छूते हुए देखा नहीं जाता है, आप घर में बैठे रहिए, जो भी हो रहा है वो सब आपदा है, अपने ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, जो होता है कभी कभी बिजली गरजता है तो लोग बात करने लगता है फ़ोन पर, फ़ोन पर पूरा कहानी या कथा सुनाने लगता है बात कर करके। तो देखिए, ये है अभी है ना, आज जब बिजली गिरे तो थे हो जाएगी, गायब हो जाएगी धरती लोग से, क्या होगा, लेकिन दांत चियार के कहाँ दुनी बतिया रही है, आज धर के टावर से कनेक्टेड है, काहे कि सिग्नल इसको टावर से मिल रहा है, टावर ऊंचाई पर है तो वहाँ पर सीधे डिटेक्ट करेगा बिजली का, जो बिजली आएगी आसमान से और सीधे मोबाइल पर गिर जाएगी तो मोबाइल को डिटेक्ट करके इस पर गिरेगी तो ये ख़त्म हो जाएगी, सब दांत चियारना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जब भी बिजली गिरे तो बात नहीं किया जाता है फ़ोन से, ठीक है, समझ गए। अब देखिए क्या होता है कि बिजली जो गिरता है, प्रति साल हमारे देश में 2500 लोग, प्रतिवर्ष 2500 लोग बिजली गिरने से मरते हैं। तो 2500 बिजली मतलब 2500 बार बिजली गिरी नहीं, वो एक एक आदमी के सिर पर नहीं गिरती है, वो खतरा इससे होता है स्टेप पोटेंशियल से। स्टेप पोटेंशियल में क्या होता है कि जो बिजली मान लीजिए इस पेड़ पर गिरी तो इसका जो रेंज होता है उतना दूर तक कपा देता है, पूरा इलेक्ट्रिक करंट फैल जाता है, तो उसके रेंज में जो आता है उसको वो झटका देती है, उसके कारण लोग 2500 लोग प्रति साल मरते हैं, ये आंकड़ा है। डायरेक्ट सबके खोपड़िए पर नहीं गिरती है, नहीं तो दिन भर गिरते रह जाएगी तो 2500 आदमी नहीं मरेगा। तो इस तरह है कि स्टेप पोटेंशियल के कारण जब बिजली का रेंज जो बढ़ जाता है, गिरती है ज़मीन पर, उसके रेंज में जो चपेट में आएगा उसको वो ख़त्म कर देती है। अब देखिए, जो बिजली गिरती है तो सबसे नुकसान क्या होता है, हमारे नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। तो बिजली गिरती है तो नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है जिससे हमारी मृत्यु हो जाती है। तो अगर बिजली गिरती है तो सबसे पहले हम उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए मरीज को, ठीक है। और देखिए, जो बिजली गिरती है तो हार्ट पर अटैक करती है, तो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम काम नहीं करता है और हमारा मौत हो जाता है। तो किसी भी स्थिति में अगर कोई बिजली गिरा, अगर उसका सांस चल रहा है, तुरंत उसको हॉस्पिटल पर ले जाइए, हॉस्पिटल में या झाड़ फूँक का चिंता मत कीजिए, झाड़ फूँक से ठीक हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो हो सकता है वो बचने वाला भी हो तो वो भी मर जाएगा। अब देखिए, कहा जाता है कि आंकड़ा है एक कि ये फीमेल है कि फीमेल 20% मरती हैं बिजली गिरने से और जो मेल हैं वो 80%। तो इसका सिंपल सा फंडा है
कि देखिए आदमी होगा वो दिन भर घूमते रहता है, उसके लिए कोनो लॉकडाउन नहीं है। लॉकडाउन रहे चाहे नहीं रहे, घूमेगा, कभी रोड पर कीचड़ा का मरेगा, कभी धाका लागे तब बैंगनी दाँत छियार देगा, कभी पतंग लूटने में मरेगा, कभी दो चार धापड़ खाएगा, पुलिस वुलिस चहेट वहेट का मारेगी, एनकाउंटर करेगी तो मर जाएगा। तो दिन भर घूमेगा तो बिजली गिरेगी तो वही ना ज़्यादा मरेगा। आ मेहरारू सब के लिए तो शुरू से लॉकडाउन है, वो तो दिन भर घर में रहना है, घर में खाना पकाएगी, घर में रहेगी, घर में उसको खाना पीना है, घर में रहना है, सोना है, उसको तो ज़्यादा काम है नहीं। तो इसलिए वो 20% केस फीमेल का आता है मरने में और मेल का 80% आता है, दिन भर घूमता है। तो यही कारण है इसका, इस आंकड़े का। अब देखिए जो बिजली गिरती है तो उसको क्या होता है, निशान बन जाता है पेड़ के जैसे, पेड़ की डालियों के जैसे निशान बन जाता है। देखिए इस आदमी के ऊपर गिरा है तो ऐसा इफेक्ट हुआ है, ठीक है। यह पूरा उसकी बिजली इस पर गिरी है, उसका छोटा हिस्सा ही इसके शरीर पर पड़ा है, इन सबके शरीर पर। देखिए इसके शरीर पर गिरा था किस तरह, इसका उसका जो पीठ है उस पर निशान पड़ गया है। गाय पर गिरा है, सांड पर, तो देखिए ये किसका काल हुआ है, इस पूरा चमड़ा इसका जल गया है, इधर पूरा पेट वगैरह सब जल गया है। और इसके शरीर पर भी गिरा है तो लाल 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 चिकता जैसा बन गया है। तो ये बिजली का असर हुआ है, और पूरा जोर का बिजली इन पर नहीं गिरा है, समझ लीजिए कि बिजली का छोटा हिस्सा ही इनके शरीर पर गिरा है। अब देखिए, अब लोग कहता है कि एक जगह जो बिजली गिर जाती है तो फिर दोबारा उस जगह पर नहीं गिरती है, ये फैक्ट गलत है। देखिए जो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वहाँ पर 10 बार से भी ज़्यादा बिजली गिर जाता है साल भर में, 10 बार से भी ज़्यादा बिजली गिरता है इसी जगह पर, इसको कुछ नहीं होता है। लोग कहते हैं कि एक बार जहाँ गिर गया वहाँ पर कुछ नहीं होगा, वहाँ पर दोबारा नहीं गिरेगा, सब झूठ सच है। पहले लोग में अंधविश्वास कितना होता था कि जब बिजली गरजता था तो कहता भगवान के प्रकोप भैल, भगवान जी खिसियाए हैं, वो कुछ नहीं होता था। जैसे 10 किलोमीटर होने जेब न समुद्र पार करब तो दुनिया खत्म हो जाला, धरती खत्म हो जाला, नीचे गिर के मर जेब तू, ठीक है। तो ये सब पहले के लोगों में भावनाएं थी, एक देश से दूसरे देश में जाना पाप है, ठीक है, कि बारिश हो रहा है तो इंद्रदेव गुस्सा किए हैं, तो आदमी का कारण है, पेड़ काटते जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो इसके कारण आप प्रकृति को थोड़े दीजिएगा, ये सब मानव निर्मित आपदा आ रही हैं, ठीक है। तो यही सब फैक्टर जी, एक बार यहाँ गिर गया ये गलत बात है। हम जो हाउस ऑफ लिबर्टी स्टैचू है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वहाँ पर 10 बार से भी ज़्यादा बिजली गिरता है साल में, कुछ नहीं होता है। अब देखिए लोग कहता है कि एक आदमी के शरीर पर बिजली गिरेगा तो मर जाएगा, तो एक आदमी ऐसा है राय सुलेमानी इसका नाम है, इसके शरीर पर 7 बार बिजली गिर चुका है लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ, आज भी वो जिंदा है राय सुलेमानी, ठीक है। और देखिए किसी किसी के लिए बिजली फायदेमंद भी हो सकता है, लेकिन ये केस बहुत कम आता है। एक आदमी था वो व्हील चेयर पर चल रहा था, ठीक है, और ग्राउंड में बारिश होने लगा, ग्राउंड में चल रहा था और बारिश होने लगा और बिजली चमकने लगी, बिजली जब इसके सिर पर गिरी, इसके शरीर के ऊपर, तो इसको हॉस्पिटल ले जाया गया, और हॉस्पिटल ले जाया गया तो इसका दिमाग थोड़ी देर बाद खुला, आँख खोला तो इसको सब कुछ याद आने लगा, फिर से इसका हाथ पर चलने लगा, सब यथास्थ इसका वापस आ गया। तो इसके लिए तो ये फायदेमंद होगा, हुआ साबित, लेकिन हर किसी के लिए ये घातक, हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं है, 100 में एक केस आया होगा इस ऐसा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जो बिजली से बचने का तरीका है कि आप लोग घर में अपने चल जाइए, ठीक है, आपको पहले ही बताएं, या फिर आपको बताएं कि त्वरित जो होता है वो सर्कमफेरेंशियल पाथ खोजता है, ठीक है। तो उसके कारण आप गाड़ी में हैं, सबसे सेफ प्लेस कहा जाता है गाड़ी में चले जाइए, गाड़ी में चले जाइएगा तो इस पर गिरेगा तो चार्ज पूरे सरफेस पर बढ़ जाएगा, और पूरे सरफेस पर बढ़ जाएगा और ज़मीन में अर्थ में चला जाएगा, तो आपको भीतर कुछ हानि नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है गाड़ी में चले जाइए, सबसे सेफ जगह है, गाड़ी में चले जाइएगा तो आपको कुछ नहीं होगा। अब देखिए जब बादल गरजता है, बिजली गिरती है, तो उस समय अगर आप मैदानी एरिया में हैं तो आप भागिए नहीं, ठीक है। भागेंगे तो क्या होगा, आपके पैर से यहाँ घर्षण उत्पन्न होगा, घर्षण से आपका बॉडी पर आवेश आ जाएगा। तो आपको बता ही कि जब बिजली गिरती है तो माइनस चार्ज ऊपर है और प्लस चार्ज नीचे खोजने के लिए आती है, तो आप घर्षण से आपके शरीर में बिजली उत्पन्न हो जाएगा, तो आपके शरीर में आवेश आएगा तो बिजली आप ही के ऊपर गिर जाएगी। तो भागना नहीं चाहिए, कान बंद कर लेना चाहिए कि कान का चादरा नहीं फटे, और बैठ जाना चाहिए, और दूरी दूरी पर 100 मीटर के दूरी दूरी पर, एक में चिपक कर रहिएगा तो उसको एरिया मिलने लगेगा, आदमी कंडक्टर रही आपका मुड़िया पर गिर के आपको ख़त्म कर देगा, इसलिए बचना चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए। अब देखिए दौड़ेंगे तो बता ही आपको कि दौड़िएगा तो फ्रिक्शन से आपके बॉडी में क्या होगा, चार्ज आएगा और गिरेगा आप ही के ऊपर,
तो आपका मौत भी हो सकता है। तो ये सभी ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं कि आप किस तरह बिजली से बच सकते हैं अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं। तो देखिए, पहले के लोग हिंदू धर्म में एक प्रथा है कि आंगन में ध्वजा लगाया जाता है, हरा बांस में झंडा हनुमान जी का लगा कर खड़ा कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि हरा बांस जो होता है ये कंडक्टर है, हरा है तो कंडक्टर है, और ये ऊंचाई पर जाएगा तो बिजली को डिटेक्ट करेगा और सीधे नीचे ज़मीन में भेज देगा, तो हानि नहीं पहुंचेगा। तो धार्मिक चीज़ों में भी कहीं ना कहीं वैज्ञानिक तथ्य छुपे होते हैं, तो ये एक पड़ता है। अब देखिए, बिजली जब भी गरज रही है या बारिश तेज़ हो रहा है और बिजली तड़क रही है, तो उस समय मछुआरे लोग निकल जाता है कि ये बारिश हो रहा है, मछली सब ऊपर आएगी तो पकड़ लिया जाएगा। तो ये गलती मत कीजिए, मशीन लेके गए हैं आप, ये कंडक्टर है ही, बिजली गिरेगा इसी में आपका शरीर में घुस जाएगा, मर जाएगा आदमी। तो इसलिए जब भी बिजली गरजे या बरसे, पानी तेज बिजली तड़पे, तो उस समय आपको नहीं जाना चाहिए मछली पकड़ने, तो इस तरह आप बच सकते हैं। फिर फैक्ट देखिए कि जो बिजली गिरती है, तो जो बादल टकराते हैं और बिजली गिरती है, इसको तीन भाग में बांटा जाता है। पहला भाग है कि देखिए इसमें क्या होता है कि बादल में जो बादल के अंदर ही जो जल के कण टकराते हैं तो प्लस माइनस आवेशित हो जाते हैं, और इसके कारण जो बिजली जनरेट होती है, इसमें साउंड नहीं होता है, ये थोड़ा ही चमकता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। तो ये इन्हीं के बादल के अंदर ही फ्रिक्शन से जनरेट होता है सब बिजली। दूसरा देखिए, दूसरा तो इसको कहते थे जो अपने में ही बिजली से उत्पन्न होता है घर्षण से, इसको कहते हैं इंट्रा क्लाउड। ये इंट्रा क्लाउड में क्या था आपको पता है कि बादल के अंदर ही फ्रिक्शन से प्लस माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और लाइट जनरेट होगा, तो इसमें साउंड नहीं आता है, नो साउंड। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या होता है, क्लाउड टू क्लाउड होता है, इसमें इस बिजली को क्लाउड टू क्लाउड में बांटा गया है। क्लाउड टू क्लाउड में क्या होता है, एक बादल और दूसरे बादल टकराते हैं, टकराने से स्टैटिक करंट बनता है और प्लस सीधा ऊपर चलाता है, माइनस सीधा पृथ्वी पर आता है, प्लस को खोजने के लिए अपने परिपथ को छोटा कर बिजली धरती पर पहुंचने की चेष्टा करती है। तो इस कारण जो बिजली जनरेट है, यही ज़्यादा आप लोग देखते हैं, जो भी इसका रेंज बहुत दूरी दूरी तक फैलता है। ठीक है, अक्सर आप लोग इसी को ज़्यादा देखते होंगे, और ये बहुत दूरी दूरी तक दिखाई देता है और आवाज़ बहुत तेज आता है। ठीक है, तो ये है आपका क्लाउड टू क्लाउड। तीसरा है हमारे पास क्लाउड टू अर्थ। इसमें क्या होता है, बादल जब घर्षण से उत्पन्न होता है जो बिजली, वो सीधे ज़मीन पर आ जाता है। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा हानि पहुंचता है। तो ये है क्लाउड टू अर्थ, इसमें अगर कोई चपेट में आता है तो तुरंत मर जाता है, तो इसी के कारण लोगों की मौत होती है। ऊपर तो तड़क रहा है, कुछ नहीं होगा, अगर कोई ज़्यादा आवाज़ सुन लेगा तो उसके भले कान के चादरा फट जाए, लेकिन उसको बिजली शॉक नहीं लगेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही हम लोग समझे, उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।